नमस्कार फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? यदि जिन बच्चे ने दिल्ली पॉलिटेक्निक में इंट्रेंस एग्जाम के क्वालिफाई किए, अच्छे मार्क्स से जिनकी रैंक अच्छी है, उन सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जो क्वालिफाई कर पाए हैं सभी के लिए आपके जीवन में अच्छी खुशियां आए और आप आगे बढ़ते चले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग खासकर उन बच्चों के लिए लेकर आए जो काउंसलिंग में उनको यही नहीं पता चल पा रहे हैं हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करें, प्रोसेसिंग फीस कैसे जमा करनी है, कितनी प्रोसेसिंग फीस होगी और हमने चॉइस सबमिशन क्या होता है, हम कॉलेज एक से ज़्यादा डिग्री दे सकते हैं क्या, स्पोर्ट राउंड हम दिल्ली के हैं तो स्पोर्ट राउंड में भाग ले सकते हैं या आउटसाइडर के लिए, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और कहीं भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिल्ली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनका, दिल्ली पॉलिटेक्निक की, वो है सीईटी दिल्ली। आपको ये जो अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी जानकारी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो सबसे पहले इसी वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करेंगे। यदि आपने इन्हें रिजल्ट भी चेक करा है तो CET Delhi.nic.in पर ही जाकर आपने चेक किया है, ठीक है फ्रेंड। और सबसे पहले हम लोग इसकी काउंसलिंग का डेट आ गया है, तो ये हमारा काउंसलिंग का हमने शेड्यूल बोर्ड पर लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको बता देते हैं। काउंसलिंग हमारी आज से मतलब 24 जून से स्टार्ट हो रही है। तो आप सबसे पहला स्टेप कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, वो सारे स्टेप मैंने लिख रखा है और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, आपको कहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है, कहाँ तक आपको फाइनल जब एडमिशन होगी तब तक किस टाइप से आपको फॉलो करना है स्टेप को। तो सबसे पहले पे द प्रोसेसिंग फीस, सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस आप पे करेंगे, 700 रुपये है प्लस बैंक चार्ज। ये ऑनलाइन पे कर सकते हैं या फिर डीडी है, डीडी चेक के, डेबिट कार्ड किसी के थ्रू आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन चॉइस सबमिशन। देखिए मैं आपको एक छोटा सा गाइड कर देता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर ये सारी जानकारी उस पर सारी जानकारी है फिर भी आप बता रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता हम चॉइस सबमिशन में क्या डालें, कई बच्चे का रैंक जैसे 3000 4000 किसी को 5000 एक्स्ट्रा है, वो क्या करते हैं किसी का यदि 5000 से ऊपर है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो टॉप के जो चार कॉलेज है उसमें आप फर्स्ट चॉइस मत डालें। मतलब यदि 5000 से ऊपर का रैंक है तो आपको ये जैसे जीवी पंत है, पूसा कॉलेज है, आर्यावर्ट है, अम्बेडकर, इसमें नहीं, इसके अलावा आप चॉइस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड थर्ड काउंसलिंग में आपको ऑप्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। तो चॉइस सबमिशन में आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग चॉइस सबमिशन ले, किसी बच्चे का रैंक 2000 से नीचे है वो आप टॉप से टॉप कॉलेज अपना चूज कर सकते हैं, खासकर जो बच्चे दिल्ली से हैं। जो आउटसाइडर बच्चे हैं उनका, जिनका रैंक यदि 1000 से नीचे है, क्योंकि लास्ट ईयर जो आउटसाइडर जो बच्चे थे उनको सिर्फ और सिर्फ 1000 तक ही टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, इसलिए आप प्लीज ध्यान रखें। लेकिन जो दिल्ली से बच्चे हैं, जो ओबीसी एससी एसटी है, जैसे ओबीसी है उसको 9000 तक लास्ट ईयर उसका रैंक गया हुआ था, और जो जनरल बच्चे हैं, जो जनरल है दिल्ली से है और जो 5000 6000 7000 भी रैंक है, तो वो लास्ट तक काउंसलिंग में आप ट्राई करें, जरूर आने की संभावना रहेगी, ठीक है। लेकिन जिसकी रैंक 10000 या 10000 से ऊपर है, जनरल में आते हैं दिल्ली से, तो उसको जो उसकी चांसेस थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं ऐसे बच्चे को सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपका जो प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में चॉइस में आप उसे ऐसे कॉलेज को दें जो आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पे द प्रोसेसिंग फीस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन चॉइस सबमिशन। और ऑनलाइन चॉइस सबमिशन में दोनों चीज़ है, आपको ट्रेड भी चॉइस सबमिट करना है और अपना कॉलेज भी करना है, कौन सी कॉलेज में, तो जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऐसा नहीं किसी का 10000 रैंक है, आप जीवी पन पूसा अम्बेडकर डालना शुरू कर दिया आपने, आपका फर्स्ट सेकेंड ये सब काउंसलिंग में नहीं होना है। तो ऐसे बच्चे आप पहले से ही शुरू करें, जो प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट में भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, जैसे हमारा आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, अच्छे है, छोटू राम है सेमी गवर्नमेंट का, इस सब में आपका होने का चांसेस होते हैं। चेक द रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट, प्रिंट, ये सारी चीज़ आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे कई बार क्या होता है हमारा, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आ गया, लेकिन जो हमारा चॉइस था, जो मुझे लेना है वो मेरा नहीं आ पाया,
तो आप प्लीज़ उसको फ्रीज मत करें। जब तक आप फ्रीज नहीं करेंगे तब तक ये फाइनल अलॉटमेंट नहीं होती है, तो आप फ्रीज ना करें। बाकी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट हो, क्योंकि एक बार जब आप प्रोसेसिंग फीस देते हैं उसके बाद दोबारा प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करना है दोस्तों। तो फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है 24 से लेकर 27 तारीख तक आप प्रोसेसिंग फीस को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये सेम 24 से 27 तक है। और जो अलॉटमेंट यदि आपका नंबर आ जाता है, यदि आपका रैंक यदि फर्स्ट काउंसलिंग के लायक आता है, तो अलॉटमेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको 28 जून को मिल जाएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट जो इंस्टीट्यूशन जिस कॉलेज में आपके एडमिशन होते हैं उसके पार्ट पेमेंट आपको जमा करना है, पूरा नहीं जमा करना है, पार्ट पेमेंट आपको जमा करनी है। और वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है 29 से लेकर 2 जुलाई। और जो जिन बच्चे का प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाती है, जिन बच्चे ने इंस्टीट्यूशनल फीस जमा कर देते हैं, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने सारा चीज़ लिख रखा है, मैं अभी एक बार दोबारा आपको गो थ्रू कर देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आपको उस टाइम काउंसलिंग टाइम वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है, ये सेकेंड काउंसलिंग है, ये हमारा थर्ड काउंसलिंग है, ये फोर्थ काउंसलिंग, और ये फोर्थ राउंड। स्पोर्ट राउंड सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे के लिए है जो दिल्ली से रहते हैं, जिनका फोर्थ काउंसलिंग तक भी वो नंबर नहीं आ पाता है, मतलब अलॉटमेंट नहीं हो पाती कोई सी, तो बच्चे विलिंगनेस के तरह आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें आपको जाहिर करना पड़ेगा कि मैं स्पोर्ट राउंड में भाग लेना चाहता है। यदि आपका नंबर आ जाता है तो जिसने स्पोर्ट राउंड होता है उस दिन फुल पेमेंट लेकर जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यदि आप बाद में चाहते हैं हम एडमिशन ना लें तो आपको ये फीस वापस नहीं होगा। बाकी हम स्पोर्ट राउंड वगैरह के लिए आगे बीच बीच में हम वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो आपको और कोई भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स के थ्रू रॉयल एजुकेशन के थ्रू एक बार जुड़ जाए, क्योंकि कुछ कारणवश बीच में वीडियो इस साल नहीं डाली गई जो हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह के लेकर, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगी, आपको पूरा मदद करेंगे हम काउंसलिंग में। और हमारी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, वो सारे वीडियो आप देखते रहिए। और देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करना है, सबसे पहले जो आपने पेमेंट करेगा उसका रिसिप्ट लेना है, प्लीज ध्यान रखिएगा, जो पेमेंट कर रहे हैं उसको प्रिंट आउट जरूर लेनी है। 2 कलर फोटोग्राफ जो आपने उस समय फॉर्म में भरा है लेटेस्ट होना चाहिए, और 7 सेंटीमीटर ये साइज जरूर मेंशन कर लीजिएगा फोटोग्राफ के लिए। कॉपी ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग में भरा है तो आपके ना जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाती है इस कॉलेज में, वो लेटर लेकर जाना है। और आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, कॉपी ऑफ चॉइस सबमिशन, जो आपने जो कॉलेज चॉइस किया था, आपने जो सब्जेक्ट जो ट्रेड चॉइस किया उसका लेटर जरूर लेके जानी है, और एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है। सर्टिफिकेट प्लीज ध्यान रखिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, मार्कशीट में यदि डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट भी चली जाएगी, लेकिन सर्टिफिकेट एक होना चाहिए और साथ में मार्कशीट दोनों लेकर जाना है। एंट्री और SC ST OBC सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाइए, जो दिल्ली से बच्चे हैं तो दिल्ली से ही होना चाहिए, जो आउटसाइडर है और खासकर जो जैसे दिल्ली से है तो उनका एक अथॉरिटी वो ऑनलाइन वाला बना होना चाहिए, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट प्लीज़ दो चीज़ और भी ऐड कर लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिल्ली में तो खासकर थाने से ही बन जाते हैं, जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं तो अभी भी स्कूल से ही बना सकते हैं आपको ज़्यादा परेशान। मेडिकल सर्टिफिकेट तो कहीं भी किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे मेडिकल वाले के पास, उसको फीस देकर आप बना सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज से ही 24 तारीख है आज, और आज से ही इसका और प्रोसेस शुरू हो गई है। तो जिस दिन पता चला जो वेरिफिकेशन में गए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो आपको वापस कर देगा, तो फिर आपका सीट खत्म हो जाएगा, फिर सेकेंड काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब है प्रोसेसिंग फीस हमारा 700 रुपये है प्लस बैंक चार्ज है। और कोई भी हेल्प चाहिए, मतलब किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन होती है, तो CET दिल्ली पॉलिटेक्निक की तरफ से एक हेल्प डेस्क तैयार की गई है, जो भाई परमानंद इंस्टीट्यूट जो सकरपुर है निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर भी अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और रही बात कॉल पर फोन पर बात करना चाहते हैं, ये लैंडलाइन नंबर है उनका और ये मोबाइल नंबर है, और ये वर्क करता है ये 10 बजे से 1 बजे तक और 2 से 4 बजे तक। तो कोई भी कन्फ्यूजन आपको आ रही है तो प्लीज़ नंबर मैं रिपीट कर दो 011-225-4389 और मोबाइल नंबर है 9540-77-6288। इस नंबर पर जाकर इस नंबर पर कॉल भी करके आप कोई भी बाकी की जानकारियां ले सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन होते हैं प्लीज़ रॉयल एजुकेशन चैनल और कमेंट करें और कमेंट का इजहार करें, मैं जरूर 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको हो सकता है सेम टाइम, यदि डे टाइम करते हैं तो सेम टाइम आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।